नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। फिर पलटी मारेंगे क्या नीतीश, ये सवाल आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है। वजह है नीतीश कुमार का एक ट्वीट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीएम नीतीश ने ट्वीट किया है। सीएम नीतीश का मोदी के लिए प्यार जो है वो इस ट्वीट में उमड़ पड़ा है। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को जन्मदिन विश किया और लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। ये ट्वीट नीतीश कुमार ने किया है प्रधानमंत्री के लिए। इस ट्वीट के बाद लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई है। बता दें कि लोगों ने नीतीश से सवाल पूछना शुरू कर दिया है और पहला सवाल जो नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है वो यही कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या नीतीश फिर पलटने का इरादा बना चुके हैं। लोगों ने नीतीश से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या नीतीश फिर से पलटने का इरादा बना रहे हैं। नीतीश कुमार के पोस्ट के बाद से लोगों ने खूब कमेंट किया, जहां मनीष दुबे नाम के यूजर ने पूछा कि नीतीश जी क्या पार्टी फिर से बदलने की सोच रहे हैं, सोच रहे हो तो बता दीजिए, बात अपने दोनों के बीच में रहेगी। वहीं रवि सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि चाचा नीतीश ऐसे ड्राइवर हैं जो दोनों तरफ बैलेंस बनाकर रखते हैं ताकि बिहार की गाड़ी को हमेशा बेहतर ड्राइव कर सके। इसके अलावा सूरज कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि आप चाहे जो भी कर लीजिए, बिहार की जनता आपको खारिज कर चुकी है और बिहार में कमल खिलाने की तैयारी में है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि नीतीश चाचा लगता है फिर पलटी मारने वाले हैं। उसी के नीचे ऋषि नाम के यूजर लिखते हैं, लगता है फिर पलटी मारेंगे। तो इस तरह के कमेंट्स के बौछार नीतीश कुमार के पोस्ट के बाद से लगातार होने लगे। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को बर्थडे विश किया है। पिछली बार एनडीए से अलग होने के बाद एक महीने के बाद ही जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब भी प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार ने विश किया था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएम नीतीश को लेकर के राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि नीतीश का मन महागठबंधन में नहीं लग रहा है और इंडिया गठबंधन से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार साइडलाइन दिख रहे हैं। नीतीश के कल का बयान उसका जीता जागता उदाहरण है कि इंडिया की तरफ से पत्रकारों का बायकॉट होता है लेकिन सीएम नीतीश कहते हैं कि हमको मालूम नहीं, जिससे सवाल उठने लगे कि क्या इंडिया गठबंधन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले नीतीश कुमार की राय नहीं ली जाती है। गठबंधन की अगुवाई करने वाले, इसकी नींव रखने वाले नीतीश कुमार को क्या इससे कॉर्नर कर दिया गया है। और इसी के साथ G20 में नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने कयासों को और हवा देने का काम किया। अब G20 के बाद से नीतीश एनडीए में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, दोनों जगह बैलेंस करके चल रहे हैं, ये तमाम सवाल उठने लगे। वहीं से बीच कल के बिहार दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह के नीतीश के प्रति सॉफ्ट लीवर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऐन मौके पर क्या उलटफेर होना बाकी है। ये तो बिहार की राजनीति है और नीतीश कुमार है, कब किशोर करवट बदलते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ। धन्यवाद।